हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ऑयल पेस्टल से महादेव शिव जी का फेस कलर करना सिखाऊंगा। और इस वीडियो से पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल पहले अपलोड कर चुका हूं, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और जहाँ जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर आप लोगों को कोई भी डार्क ब्लू से शेडिंग करना है। और रेफरेंस फोटो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बस डाउनलोड कर सकते हो। और शेडिंग करने के टाइम आप लोगों को प्रेशर ऑलवेज मेंटेन करना होगा। लाइक जहाँ पर एकदम से डार्क एरियाज है वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, नॉर्मल एरियाज में मीडियम प्रेशर अप्लाई करना है, और लाइट एरियाज में आप लोगों को एकदम हल्के हाथ से करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर आईब्रोज में और आईज में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके किया हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग को फर्स्ट लेयर में फुल फेस के ऊपर डार्क ब्लू से शेडिंग करना है। तो अभी आप लोग ध्यान से देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ। और गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग ऐसे जो कि मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा मत करो गाइस, फ्री है, पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर लेना गाइस प्लीज। ओके, बैक टू द ड्रॉइंग। मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ ध्यान से देखो। और अभी फुल फेस के ऊपर व्हाइट से शेडिंग करूंगा, जस्ट आईब्रोज, आईबॉल्स और लिप्स को छोड़ के करना है। और व्हाइट से अच्छी तरीके से शेडिंग करना है गाइस, कहीं पर भी कलर को एम्प्टी मत छोड़ना, नहीं तो इसके बाद इसके ऊपर जब ब्लेंडिंग करोगे तब ठीक से ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी। तो कलर को अच्छी तरीके से भरना है गाइस। और जो भी कमेंट्स पर बोलते हैं ना कि ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हो पाता है मेरा, तो इसी कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि आप शेडिंग करने के टाइम कलर को अच्छी तरीके से नहीं भरते हो, जस्ट ऊपर ऊपर से शेडिंग करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कलर को अच्छी तरीके से भरना है आप लोगों को, देन उसके बाद ब्लेंडिंग करना है। और अभी हाथ में भी सेम डार्क टू लाइट आप लोगों को जाना है। पहले डार्क एरियाज में ब्राउन कलर से शेडिंग करना है, देन ब्राउन कलर के ऊपर भी फ्लेस्टिन कलर से शेडिंग करना है, बट हाईलाइटेड एरियाज को छोड़ के, क्योंकि वहां पर व्हाइट से आप लोगों को शेडिंग करना है। तो देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूं। ओके, अभी ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और पहले आप लोगों को लाइट एरियाज में ब्लेंडिंग करना है, और उसके बाद डार्क एरियाज में ब्लेंड करना है, एंड देन उसको मिक्स कर देना है। और ब्लेंड करने के बाद आप लोगों को अगर थोड़ा और लाइट चाहिए तो वहाँ पर आप लोग व्हाइट से कर सकते हो, एंड देन उसको भी एक बार ब्लेंड कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं फेस के ऊपर भी अभी ब्लेंडिंग करूँगा। तो अभी आप लोग ध्यान से देखना कहाँ पर मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और वीडियोस में बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं देखा हूँ क्लॉथ से एकदम से घिस के ब्लेंड कर देता है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक तो कहाँ पर कौन सी फीचर है वो सब कुछ गायब हो जाएगी, ऊपर से कलर भी फेड हो जाएगी। और ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप लोगों को लग रहा है कहीं पर भी थोड़ा और लाइट होना चाहिए था, वहाँ पर आप लोग व्हाइट से शेडिंग कर सकते हो, देन उसको भी एक बार कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर लेना है। ओके, ये तो हो गया बेस लेयर। अभी इसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करना है। अभी जितनी अच्छी तरीके से आप लोग डिटेलिंग करोगे उतना ही अच्छा आप लोगों को रियलिस्टिक रिजल्ट मिलेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर छोटे छोटे एरियाज में हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट इससे मैं कर रहा हूँ, एंड देन इसको भी एक बार ब्लेंड कर लेना है। ओके, अभी डार्क एरियाज में डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर कैमल की सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पर कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं या फिर 8B प्लस ग्राफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो।
और लास्ट में व्हाइट से डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट एट्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो कारेक्शन पेन का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। और स्किन के ऊपर इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोगों के पास अगर व्हाइट चारकोल पेंसिल है तो उससे ट्राई करना आप लोग, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगी। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो का लाइक मैं ऑन के रखता हूँ तो वो जल्दी से आप लोग पूरा कर दो, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो जल्दी से अभी के अभी के अभी के अभी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।